मैं इस सरकार के लिए चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि क्षेत्र को आप पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आपने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने एमएसपी डेढ़ गुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, आपने 12 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी, नौजवानों को धोखा देने का काम किया। आपने देश के लोगों को 15 लाख देने की बात कही, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने कहा कि इस देश के अंदर कई लाख करोड़ रुपए काला धन लाके हम इस देश में काला धन लाएंगे। आप आज तक काला धन नहीं ला पाए 1 रुपए। आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। आपने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, आपने स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया, और आपकी सरकार है जिसने एफडीआई का जमकर विरोध किया, और आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं, देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। यहाँ पे माननीय भूपेंद्र यादव जी कह रहे थे कि आज के 70 के दशक में किसानों को भड़काया गया और ये कहा गया पानी से बिजली निकालकर पानी की ताकत खत्म कर दी जाएगी। और आज आधुनिक भारत में क्या हो रहा है, आज के नेता नाले के गैस से चाय बना रहे हैं। हमको वो दुकान बता दीजिए जहां नाले के गैस से चाय मिलती है। धन्यवाद, धन्यवाद। चाय पीना चाहते हैं, आज भी उसी तरीके के वादे करके, धन्यवाद, झूठे वादे करके, कंक्लूड कर रहा हूं सर, झूठे वादे करके आप देश की जनता को, किसान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सरकार, थैंक यू, ये सरकार नया पैकेज लेके आती है। धन्यवाद, बड़ी बड़ी बातें करती, खत्म कर रहा हूँ सर, बस मैं, मुझे स्पीकर बुलाना पड़ेगा। आपका समय, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपका समय समाप्त हो चुका है। कंक्लूड कर रहा हूँ सर, कंक्लूड कर रहा हूँ सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस बिल का विरोध करने की बात कही है, और हमारी पार्टी पंजाब से लेकर पूरे देश में इस बिल का विरोध करेगी मान्यवर। हमारी सरकार ने दिल्ली में 2600 रुपए क्विंटल धान का दाम देने का, धन्यवाद, किसान को किया है। हम किसानों के हक में, किसान के साथ हैं। और इस बिल का विरोध